हरिद्वार स्टेट हाईवे पर सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर बदमाशों ने एटीएम लूट की बड़ी घटना को दिया अंजाम। पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम काट कर लगभग 17 लाख की लूट। सुबह 4:30 बजे तेज धार हथियार और गैस कटर से एटीएम को तोड़कर घटना को दिया अंजाम। पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी आईजी रमित शर्मा, एसपी अमित कुमार पाठक, एसपी सिटी अमित कुमार आनंद, एसपी पुलिस तैनात, थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कांट रोड गोर ग्लेशियर के सामने की घटना। मतलब हम यहाँ बैठे थे, वो जो है वो लोग गाड़ी लेकर आए, गाड़ी लेके एक आदमी गाड़ी में से निकला, गाड़ी में निकलने के बाद एटीएम के अंदर दस गया, उन्होंने फिर अंदर से एटीएम गिरा लिया। एटीएम गिराने के बाद हमें सकोया, हम क्या गए भाई एटीएम बंद क्यों कर रहे हो, बोले मशीन संभाल रहे हैं हम इसकी। हमने कहा जो टाइम मशीन संभालने का नहीं है, तो हमने मोबाइल निकाला जेब से फ़ोन करने के लिए, उन्होंने धड़ाक हमारे मोबाइल छीन लिए, दोनों पर कब्जा कर लिया, बोले यहाँ को बैठ जाओ, हरकत करने की कोशिश मत करना, वो साहब एटीएम लूट के ले। फिर उसके बाद हमने द्वंद मचाया, या हमारे मोबाइल में बैटरी ले ली उन्होंने, हम स्कूटी पर गए सामने वाली पर, द्वंद मचाया, हमने भी सुनी अभी सुनी हो, उन्होंने कोई गेट नहीं खोला। फिर वो ऊँची वाली बिल्डिंग के गार्ड रहते हैं, उनके नंबर से हमने 100 नंबर लगवाया, तो नंबर पता नहीं गलत लगा रहा था क्या था, नंबर नहीं लगवाया, तो हम में से एक आदमी भैया के घर गया, और जब भैया को बुला के लाए फिर तो सब लोग आए। ये एक PNB बैंक का ATM है कांट रोड पर, थाना सिविल लाइन में, जिसमें लगभग सुबह 4 बजे ATM काटने की घटना हुई है, जिसमें पुलिस द्वारा CCTV फुटेजेस का अवलोकन किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, इसमें जल्दी जो बदमाश शामिल है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें ATM में कुल 16,74,000 रुपये होने की बात बैंक अधिकारियों ने बताई है, इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जितने भी आसपास के CCTV फुटेजेस हैं उनको चेक किया जा रहा है और अन्य तथ्य जुटाए जा रहे हैं, जो भी विवेचना में आएगा उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि कोई गैस कटर का प्रयोग किया होगा, जिससे उन्होंने इसकी बॉडी को कट किया है और उसके अंदर जो भी धन था उसको, ऐसा लग रहा है सब तेज धार हथियार से ही किया गया, इसको अंजाम दिया गया। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।